तो हेलो सारे वालों, कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो होने वाला है गाइस, हमारा रिएक्शन वीडियो। जो भाई हमारा भी कंट्रोवर्सी चल रहा है कि फ्री फायर को लाना है, तो उनमें यूट्यूबर ने क्या कंट्रोवर्सी करा है, क्या रिएक्शन दिया है गाइस, ये पूरी वीडियो उस पर होने वाली है। एंड उस पर मैं भी अपने विचार रखूंगा। देखते हैं गाइस क्या क्या बोला है हमारे बहुत से यूट्यूबर ने, क्या क्या बोला। सब लोग देखो ये यहाँ बात कर रहे हैं कि लाइक पे रेटिंग ताहिर है बढ़ाओ, भाई ग्रोथ इनका कर दो, नाम। ये कर दो। मैं उससे कुछ अलग, मैं कुछ अलग क्वेश्चंस करना चाहता हूँ गरीना को। मुझे लगता है कि वो लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे और उनकी गलती है इस चीज में, उनकी गलती है, मुझे पता है। पहली चीज, अगर इंडिया में होल्ड पे था गेम, ई स्पोर्ट्स होल्ड पे आपने रखा, ठीक है, तो आपने टॉप अप क्यों नहीं होल्ड पे रखा? टॉप अप क्यों अलाउ कर रहे हैं आप लोगों को? और अगर इंडिया इस बंदे ने सही बोला है। वैसे अगर देखा जाए कि अगर फ्री फायर इंडिया में नहीं है, बंदा ये सवाल पूछ रहा है कि अगर नहीं है फ्री फायर इंडिया जो नहीं है, तो फिर अगर तुम ई स्पोर्ट्स नहीं ला सकते हो तो भाई टॉप अप कैसे, मतलब वो कर पा रहे हैं बंदे। टॉप अप भी तो रोकना चाहिए, ये सब भी रोकना चाहिए भाई। बंदा बिल्कुल सही कह रहा है ताहिर यहाँ पे। इंडिया में होल्ड पे है गेम, तो आप इवेंट्स क्यों नहीं होल्ड कर रहे हो? जैसे आपने ई स्पोर्ट्स पेज के सारे पोस्ट हटा दिया, उसको होल्ड पे रखा है, तो इवेंट पेज क्यों नहीं होल्ड पे रखा आपने? आप इवेंट्स क्यों ला रहे हैं रोज रोज? सही तो ये बात लोग है। कोलैब्स क्यों कर रहे हैं इनके साथ, पीसी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ? और दूसरी चीज, इंडिया में 99.9% पीसी क्यों है? पीसी प्लेयर्स का ही क्यों भी बैज है 99.9%? क्यों नहीं है मोबाइल गेम्स का, ये बताओ। सही मोबाइल बात। प्लेयर्स होंगे कैसे? पहली बात तो जब अपने ऑडियंस को आदत लगा रखी है हाई ग्राफिक्स की, पीसी गेम प्ले दिखा दिखा के, पीसी वालों को वी बैज दे दे के, 99.9% पीसी प्लेयर्स ये वी बैज में, बाकी कोई मोबाइल प्लेयर तो वहां तक पहुंच नहीं सकता। कैसे पहुंचेगा जब ऑडियंस को आदत हो गई हाई ग्राफिक्स की? उनको हमारा गेम प्ले, मोबाइल का गेम प्ले, मोबाइल कोई सा भी हो, 11 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, कोई सा भी हो, आईफोन हो, एंड्रॉइड हो, फिर भी वो पीसी के कंपैरिजन में ग्राफिक्स नहीं ला सकता। तो अब ऑडियंस को जब ऑलरेडी आदत लग गई हाई ग्राफिक्स की, वो हमारा गेम प्ले क्यों देखेंगे जब उनको आपने वी बैच दे दे के प्रमोट करवाया है उनको? सही बात है गाइस, यहाँ पे रोस्ट कर दिया भाई फ्री फायर को इन भाई ने। तो भाई कि आपने हाई ग्राफिक्स यहाँ पे लगा रखे, लत लगा रखी है बाकियों को कि भाई वी बैच अपने फोन प्लेयर को कोई ऐसा दिखा दो, फोन प्लेयर को देते हो। सही बात है, वैसे हाई ग्राफिक्स क्या लगा रखी है भाई ने, सही बोला है अभी तो। बट बात तो हम करने वाले हैं कि भाई फ्री फायर इंडिया कब आने वाला है गाइस, जो मेन टॉपिक होने वाला है हमारा कॉन्ट्रोवर्सी का, फ्री फायर इंडिया कब आएगा। एंड गाइस तुम्हारा भाई फुल सपोर्ट कर रहा है टीएसजी आर्मी को, ताकि जो मर्जी हो जाएगा इस फ्री फायर लेकर आएंगे हम इंडिया में। तो पीसी वालों को तो मोबाइल प्लेयर ग्रो कैसे होंगे? और मोबाइल प्लेयर ग्रो नहीं होगा तो ई स्पोर्ट्स ग्रो नहीं होगा। चलो चलो, कोई तो फाइनली इस चीज पे आवाज उठा। एंड ताहिर का रिएक्शन तो आपने देख लिया है गाइस, जीडब्ल्यू मनीष होने वाला है द सेकंड रिएक्शन भाई, जिसने रिएक्शन दिया है। वैसे जीडब्ल्यू मनीष बहुत ही बढ़िया बंदा है भाई। भाई ने सपोर्ट करा टीएसजी ऋतिक को सबसे ज्यादा, भाई ने स्टोरी लगाई, भाई ने ऋतिक के लिए ही सब कुछ बताया। एंड एक और चीज जो मेन थिंग बताया है भाई ने, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई का। एंड जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव भाई बंदा था, आप सभी तो थे ही गाइस, जो सब्सक्राइबर हैं वो तो सपोर्टिव में थे, बट यूट्यूबरों में सबसे ज्यादा जो सपोर्टिंग लगा जीडब्ल्यू मनीष था। एंड भाई ने क्या कहा है वो भी वो देखो। तो फाइनली हमारे ऋतिक भाई ने इस चीज़ पर आवाज उठाया, उन्होंने अपने टीएसबी आर्मी चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है अपने फ्री फायर इंडिया को लेके, फ्री फायर के एम्प्लॉयज को लेके। बिल्कुल मतलब उन्होंने खुद से आवाज उठाई है कि आखिर मॉडिटर्स जो भी एम्प्लॉयज है वो चेंज क्यों होने चाहिए, बहुत सारी चीजें उनके वीडियो में। सो मैं ऋतिक भाई को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और मैं भी उनका साथ देना चाहता हूँ। बट एक चीज अपने को याद रखना है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ऋतिक भाई पहली बार इसको कर रहे हैं या फिर ऋतिक भाई इसमें कोई रिवोल्यूशन ला सकते हैं। अकेले आदमी से कुछ नहीं होगा, या फिर मैं भी ऋतिक भाई के साथ जुड़ जाता हूँ फिर भी हम दो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। सही बात है। याद रखना, जब तक बड़े बड़े क्रिएटर्स गरीना के ऐसे हाथों में है ना, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर वो टॉप के क्रिएटर्स आके सही हमारा बात। साथ देते हैं या फिर मेरा, छोड़ो ऋतिक भाई का साथ देते हैं, तब जाके भाई जो हम सोच रहे हैं वो हो सकता है। इनोसेंट है अदरवाइज भाई बंदा। चीजें वही होगी, स्ट्राइक मार के खत्म कर दिया जाएगा, बात वही दब देखो जाएगी, भाई, बस वही है। इस बंदा कह रहा है कि जैसे कि हमारे टीएसजी आर्मी ने सेकंड चैनल पे किया है 2 मिलियन वाले सब्सक्राइब, और जिसपे फॉलोवर हैं भाई के, सब्सक्राइबर हैं भाई, उससे वीडियो बना रहे हैं। अब भाई बोलना चाहता है कि यहाँ पे 15 मिलियन जैसे हमारे देसी गेमर हैं, जैसे और भी नया नासीन हो गए, वो जितने बड़े बड़े क्रिएटर उनके साथ है, तब तक भाई हम कुछ भी कर लें, अगर वो हमारी साइड नहीं होते कि फ्री फायर इंडिया को लेकर आना है हमने, अगर वो हमारे साथ नहीं होते हैं तो गाइज अभी भी बहुत मुश्किल होने वाला है फ्री फायर इंडिया को वापस लाने में। ठीक है, यही भाई बोलना चाहता है कि जितने बड़े बड़े क्रिएटर जैसे टोटल गेमिंग हो गया, चलो उनके पास वी बैच नहीं है, अगर वो सारे गाइस अगर हमारे साथ आ जाते हैं फ्री फायर इंडिया लाने से कोई नहीं रोक सकता गाइस, क्योंकि सपोर्टिव में जो बंदे होते हैं, सब्सक्राइबर का सपोर्ट होता है गाइस एक, वो बहुत मैटर करता है। एंड जो बड़े लेवल के सब्सक्राइबर जो जिनके ज़्यादा फॉलोवर हैं, अगर वो हमारा साथ देंगे
तो ज़्यादा हमारा यहाँ पे जल्दी आने का हो सकता है फ्री फायर इंडिया, यही बोलना चाहता है हमारा GW मनीष भाई। मेरे को बिल्कुल नहीं पता, मैंने जैसे कि अभी बोला। एंड अब रिएक्शन था भाई यहाँ पे AS गेमर का, जो AS गेमर है हमारे 1.87 मिलियन भाई के सब्सक्राइबर है यहाँ पे। AS गेमर ने क्या रिएक्शन दिया है भाई को, पूरी वीडियो देखो, यानी कंट्रोवर्सी ही है एक तरीके से गाइस। एंड गाइस मैं पूरा कहना चाहूंगा कि गाइस पूरा सपोर्ट करो TSG आर्मी को, जो मर्जी करो। भाई ने अपना वी बैच हो गया, पांडापुर हम से पैसे जो इनकम आते थे वो छोड़ दिया गाइस। एंड बहुत कुछ भाई भाई ने यहाँ पे करा है ताकि फ्री फायर इंडिया को ला सके भाई। तो भाई को पूरा सपोर्ट करो गाइस, मैं खुद कर रहा हूँ गाइस सपोर्टिव, सारी वीडियो छोड़ के गाइस अभी सब कुछ करना, लाइव लाइव करने के बावजूद मैं ये भी काम कर रहा हूँ फ्री फायर इंडिया लाने के लिए, आप सभी के लिए, ताकि ई स्पोर्ट खेल सके गाइस। एंड यहाँ पे आप देख लेते हैं AS गेमर का क्या रिएक्शन था इस पे। मेरे हिसाब से जितना मैंने सुना है, मेरे को बाकी पता नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम उनसे बात कभी नहीं किया ऐसे मोस्टली, बट जितना मेरे को सुनने को मिला है बाकी यूट्यूबर से एंड बाकी आपको बताइए ठीक है, जितना मेरे को पता है वो बहुत ईगोइस्टिक है, उनको लगता है कि कॉन्टेंट क्रिएटर्स उनके लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं, मतलब वो उनके लिए नहीं, बाकी कॉन्टेंट क्रिएटर्स। आप लोग बताया मैं तो नहीं हूँ पार्टनर प्रोग्राम के अंदर, मेरे को इतना पता है कि वो जितने भी हायर टीयर यूट्यूबर्स हो गए, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, भाड़ में जाए मैं ले रहा हूँ, देसी गेमर हो गया और कौन कौन से अरे भाई किसका नाम ले लिया गाइस, देसी गेमर अमित भाई गाइस। एक तरीके से मैं अगर वो उनको अगर नहीं पता हो देसी गेमर, तो मतलब कुछ कर ही नहीं रहे ब्रो इस चीज में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है देसी गेमर का, तो कुछ इसमें लेना देना नहीं है। अब जो हमें अरे अमित भाई है गाइस, वो तो मतलब वो तो यही कह रहे हैं, मैंने आज इनके इंस्टाग्राम में भी देखी थी, तो स्टोरी में लिखा हुआ था कि मेरे को अभी कुछ नहीं पता फ्री फायर इंडिया के बारे में, मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है इससे, तो इतना मैं कुछ नहीं कहूंगा इस चीज के बारे में। इसी गेमर का नाम ले लिया गया। बहुत सारे टॉप टीयर यूट्यूबर्स है जो उनके पास है, जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, 5+ मिलियन सब्सक्राइबर्स है, और उनकी उनसे वो थोड़े अलग तरह से बिहेव करते हैं, जो कि थोड़े कम सब्सक्राइबर वाले उनसे एक अलग तरह से, और तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बस एक AS गेमर गाइस यहाँ पे कह रहा है जैसे कि हमारे जो छोटे यूट्यूबर है, समझ लो कि 1 मिलियन वाले यूट्यूबर हैं, छोटे क्रिएटर हैं, उनके साथ जो फ्री फायर मैक्स वाले हैं, जो फ्री फायर वाले हैं, वो अलग तरीके से, थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और जो बड़े क्रिएटर हैं जिनके 15 मिलियन, जैसे अमित भाई हो गए जिनके पास वी बैच है, उनके साथ अलग बिहेव करते हैं वो, मतलब अच्छे से पहचाते हैं और अपना मतलब मानते हैं उनको, ऐसा कहना चाहता है AS गेमर भाई यहाँ पर। इतना बता दो कि गेम आएगी कि नहीं आएगी, तुम टाइम नहीं बता सकते मार को कि कब तक आने वाली है गेम, तुम मत बताओ भाई, कोई जरूरत नहीं मार को टाइम की, बस इतना तो बता दो कि गेम आएगी, क्योंकि हम लोग 1 साल से, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, 1 साल से वेट कर रहे हैं अनाउंसमेंट के बाद, 3 साल होने वाले ऑलमोस्ट गेम को बैन सही हुए, बात जब है तो गेम बैन थी तब तो चलो हमारे को पता है बैन है भाई, अब आएगी नहीं आएगी भगवान जाने, बट जब तुम लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया, तुम लोगों ने बता दिया कि भाई गेम आने वाली है वापस, उसके बाद तो तुम कम से कम तुम एक तुमने नोटिस डाल दिया कि थोड़ा डिले रहेगा, कोई बात नहीं भाई 1-2 महीना, 1 साल होने वाला है कम से कम बताओ तो, और अब ये पहले तो ये कम से कम चुप रहते थे, अब तो ये ऐसे एक्ट कर रहे जैसे कि गेम गई नहीं है कभी भी, या सही तो बात है निकाल दिया होगा या फिर ऋतिक को बोला गया होगा कि हम आपको पे नहीं कर सकते, पेनल्टी लगी होगी कि एक लिमिट टाइम तक आपको पे नहीं कर सकते, या फिर ऐसे एक आपको लड़का नहीं कभी पैसों करेंगे, के लिए इतना नहीं गिरेगा, मेरे को पता क्योंकि है। ऋतिक की तरफ से भाई, मेरे तरफ से बिल्कुल सही है भाई, ऋतिक तो बोलेगा ना भाई, जब उसको अगर पैसे नहीं मिल रहे तो वो तो अब बोलेगा, जब चाहे उसको, जब इसकी मर्जी भाई, जब चाहे बोले, पर ये गलत थोड़ी ना बोल रहा है, ये दोनों कुछ गलत बोल रहे हैं, तो बात तो सही बोल रहा है ना एंड भाई। स्टैंड विद ऋतिक है। चलो वैसे AS गेमर का रिएक्शन देख चुके हैं कि AS गेमर का ये भी रिएक्शन था लास्ट में कि भाई क्या पता पेमेंट रोक दी हो हमारे इसका और TSG आर्मी का, टू साइड गेमर का यहाँ पे पेमेंट रोक दी हो, तभी भाई ने इस चीज पे थोड़ा उठाया है, अपने क्वेश्चन उठाए हैं, मेरे ये कहना चाहते हैं AS गेमर, बट भाई कह रहा है कि गलत तो क्वेश्चन नहीं पूछा है कोई भी, तो गलत तो है भी नहीं भाई, हमें अगर अनाउंस कर दिया है गेम तो अगर फ्री फायर इंडिया प्ले स्टोर में आ चुका है तो आना भी चाहिएगा इसे, एंड क्यों नहीं आ रहा ये तो भाई है, पता नहीं करे ना कोई पता है अभी। एंड अब रिएक्शन था गाइस पहाड़ी गेमर का गाइस, एंड पहाड़ी गेमिंग गाइस इसमें मुझे रूड, मतलब इसका बिहेवियर बहुत ही रूडली लगा, भाई ने जो बोला है अलग था गाइस, भाई का भाई ने जो बोला है ना वो थोड़ा अलग था गाइस, इसका रिएक्शन देखो गाइस क्या था पहाड़ी गेमिंग का। जी ब्रो यार सो सॉरी यार, मैं इस मैटर में कुछ नहीं बोलूं, वो ही ज्यादा बेटर है ठीक है, और वैसे भी उसने बोला है यूट्यूबर्स लोग बीच में ना पड़े तो अच्छा है, देखो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा तो फिर कुछ गलत हो जाएगा समझो मेरी बात को, कुछ चीज़ें शांत रहने में ही भलाई है,
मैं नहीं चाहता किसी को बुरा बोलना, ठीक है? ओके, तुम लोगों के प्रस्पेक्टिव से वो सारी चीजें सही हैं, ठीक है? अगर मैं मेरा प्रस्पेक्टिव बताऊंगा तो तुम लोगों को मेरे प्रस्पेक्टिव से चीजें सही लगेंगी, तो अभी मेरे को गाइस यहाँ पे जो पहाड़ी गेमिंग है जो ई-स्पोर्ट प्लेयर हुआ करता था अभी तो चलो बैन है इंडिया में, कोई चक्कर नहीं है भाई के पास वी बैच है शायद इस वजह से बोल रहे हो, क्या बात है मुझे नहीं पता, बट बंदा ये कह रहा है कि भाई अगर मैं फ्री फायर मैक्स के बारे में अगर मैं अपने राय बताऊंगा तो भाई मैं सही लगूंगा सब्सक्राइबरों को, और वहीं अगर आप अभी टू साइड गेमर को सुन रहे हो तो उसकी तरफ से आप उसको सही बोल रहे हो, तो ये कहना चाहता है। एंड भाई ने ये भी कहा कि टीएसजी आर्मी ने जैसे कहा था कि मेरे बीच में कोई भी यूट्यूबर नहीं बोलेगा गलत नहीं बोलेगा, तो भाई बोल रहा है सीधा कि भाई उसने बोला है तो मैं इस चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहता। एंड सब्सक्राइबरों के लिए और क्या क्या बोला भाई ने, ये देखो को प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे दूर रखो इन सब चीज़ों से, ठीक है? प्लीज यार भाई तो रोने पे आ गया, रिक्वेस्ट तुम लोगों से रिक्वेस्ट है मुझे दूर रखो इन सब चीजों से, मैं नहीं पढ़ना चाहता किसी झमेले में किसी कंट्रोवर्सी में, तो समझो ऐसा नहीं है कि मैं पार्टनर प्रोग्राम में हूँ या ये है वो है, मुझे कहीं से कुछ नहीं मिलता, मुझे कोई नहीं दे रहा, ठीक है? तो गलत बोल दिया भाई, जैसे दूर गाइस पार्टनर प्रोग्राम से नहीं मिल रहा कुछ नहीं मिल रहा, ये गलत है गाइस, पूरा गलत है। पार्टनर प्रोग्राम वालों को जो फ्री फायर मैक्स जिनके पास वी बैच होता है गाइस उनको पेमेंट भी मिलती है, तभी तो गाइस ज़्यादा वीडियो नहीं आती, सबसे बड़ी बात तो यही है, तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं। भाई कैसी बातें कह रहा है यार पहाड़ी ब्रो, कैसी बातें कर रहे हैं यार, गलत कह रहे हो ब्रो, दूर रहना चाहता हूँ बस, तुम ऐसे स्पैम मत करो कि मैं भड़कू, प्लीज सब्सक्राइबरों पे रिक्वेस्ट प्लीज है तुम लोगों से, ठीक है भाई सपोर्ट करो। बट पहाड़ी का गाइस रिएक्शन मुझे इतना पसंद नहीं आया, आपकी क्या राय है पहाड़ी के लिए गाइस मेरे को कमेंट करके बताना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया गाइस, लिटरली बता रहा हूँ गाइस। एंड हमारे देसी गेमर गाइस अमित भाई, भाई सपोर्ट है मेरा, सब मेरा वोट सबको, मस्ती वाला बंदा। जिस यूट्यूबर ने टीएचजी ऋतिक के अगेंस्ट में वीडियो बनाया तो गाइस आपने यहाँ तक का रिएक्शन देख लिया है। एंड ये वीडियो है श्रेय गेमिंग श्रेय वाईटी का, जिसके ऊपर मैंने भी रिएक्शन दिया है गाइस, क्योंकि वीडियो मैं श्रेय वाईटी की देखता हूँ एंड पसंद आती है वीडियो, तो मैंने सोचा कि श्रेय वाईटी की वीडियो लेते हैं एंड इस पे रिएक्शन देते हैं, तो कैसी लगी वीडियो मेरे को बताना। एंड ये लास्ट रिएक्शन होने वाला है, ये यूट्यूबर श्रेय वाईटी ने जैसे कि बताया कि ये भाई ने रोस्ट वीडियो बनाया है हमारे टीएसजी आर्मी पे, हमारे जो टू साइड गेमर है ऋतिक ब्रो है उन पे भाई ने रोस्ट वीडियो बनाया है, देखते हैं गाइस क्या है बंदा। उनका नाम है मी जस्ट मेहुल, यहाँ से दो साल पहले एक बहुत ही बड़े के स्पोर्ट प्लेयर थे बट अब छोड़ चुके हैं ऑब्वियसली गेम बैन के वजह से। तो ये अपने वीडियो में टीएसजी ऋतिक के ऊपर दो बड़े बड़े एलिगेशन लगाए, ये बताया कि जब फ्री फायर गेम बैन हुआ था तब तो ये पार्टनर प्रोग्राम में था तो इसको फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब इसको बेटिंग एप्स प्रमोट करने की वजह से गरेना वालों ने किक कर दिया पार्टनर प्रोग्राम से, तो इसलिए गुस्से में ये उनके अगेंस्ट में वीडियो बना रहा है सिंपथी लेने के लिए। तो गाइस अभी मुझे पता चला है कि फ्री फायर एम्प्लॉइज का एक ग्रुप है जिसमें ये लोग क्रिएटर्स को बोलते हैं कि मेरी वीडियो देख के कि अगर ऋतिक ये बोल रहा है तो तुम उसके अगेंस्ट ये पॉइंट उठाओ, अगर ऋतिक ये बोल रहा है तो उसके अगेंस्ट ये पॉइंट उठाओ, या फिर तुम्हारे जो भी इनके थोड़े बहुत बिल्कुल भाई फेक जहां से पैसे वो भी बता, जहां से पैसे मिलेंगे गाइस कोई भी है गाइस बिक जाएगा, कोई भी अगर पैसे दे रहा है तो उसके खिलाफ तो कोई भी बोल देगा ना, बात तो सही है ऋतिक की, अगर भाई ने इतना बड़ा कदम उठाया तो कोई ना कोई तो कुत्ता पीछे भौंकेगा ना गाइस, सीधी बात है उधर की भाई इसको ऐसे ट्रिगर करो वैसे ट्रिगर करो, तो उसमें एक चीज इन्होंने रखी कि भाई गूगल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग तुम लोग 5-star रेटिंग बाय नहीं कर सकते या फिर रेटिंग्स बाय नहीं कर सकते। अरे मेरे भाई मेरे को पता है तुम्हारे इधर जो एम्प्लॉय बैठा है उसका दिमाग कैसा चलता है और वो कौन से बैकग्राउंड से है, ठीक है? मेरे को पता है गूगल पे आप लोग रेटिंग्स बाय नहीं कर सकते जैसे गूगल एड्स होती है ऑफिशियली, ठीक है? बाकी आप लोग कैंपेन्स चला सकते हो जिसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें आप लोग उनको पैसे दो, उधर उनके लोग बैठे रहते हैं बहुत सारे बल्क में जो कि बैठ के खुद 5-star की रेटिंग देते हैं, सही बात है, उससे बोलते हैं कैंपेन, ठीक है? ऑफिशियली बाय करने की बात मैं भी नहीं कर रहा था। आप लोग इस पूरे मैटर के बारे में क्या सोचते हो, आपका क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो गाइस, तो गाइस आपको कैसे लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना गाइस, एंड ऐसी वीडियो में और लाऊं कि नहीं लाऊं मैं वो कमेंट करके बताना, एंड फ्री फायर इंडिया लाना है गाइस कुछ भी करके, टीएसजी आर्मी को सपोर्ट करो अगर आप चाहते हो कि ई-स्पोर्ट प्लेयर बनना, तो इस वीडियो पे गाइस प्लीज लाइक करो एंड शेयर करो गाइस, एंड प्ले स्टोर पे जाके रेटिंग गिराओ गाइस, जो जितना कुछ कर सकते हो करो गाइस, तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।